ये देखो पापा कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। अरे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। एक बात बता, इतना स्नोफॉल हो रहा है और तू पतले कपड़े पहने हुई है, तेरी तबीयत खराब हो गई तो? अरे पापा मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है और मैं ऐसे कपड़े पहन कर आ गई। अच्छा पापा मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, मैं ना जा रही हूँ रूम में और सामने से ना गाड़ी भी आ रही है, मैं सड़क पे खड़ी हूँ। हाँ, आपसे बाद में बात करती हूँ पापा, ठीक है? ठीक है बेटा, संभाल के जाना। हाँ पापा, ओके बाय। बाय बेटा बाय। अरे यार पापा को पागल बनाना ना बहुत मुश्किल है, मैं ना आज फंस जाती, बहुत मुश्किल से बची हूँ। बेबी तुमने तो पापा को एकदम पागल ही बना दिया, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर दिमाग काफी है और ये तुम्हारे दोस्त भी हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी चीज के लिए। दिमाग तो है ही मेरे अंदर यार, मेरे पापा लोगों को पागल बनाते हैं, आज मैंने उन्हें पागल बना दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें? हाँ बेबी, आज तो मुझे लगा था कि तुम्हारे पापा मुझे मार ही डालेंगे, खैर बच गया मैं। अब बचा हुआ समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैंने अंदर रूम में एसी चला रखी है, मनाली जैसा माहौल है, एक आखिरी बार मजा ले लेते हैं मनाली का। हाँ ना बिल्कुल, मैं इन दोनों को बाहर भेज देती हूँ, अब तुम दोनों एक काम करो जाओ और वो 500 रुपए पड़े होंगे वहाँ पे वहाँ से ले जाना, ठीक है? जाओ। अच्छा आर्यन मुझे ना 5 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, अब मैं ना यहाँ से जाती हूँ वरना पापा को ना शक हो जाएगा। शाबाश बेटी शाबाश, बहुत अच्छा, तूने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। पापा आप यहाँ पे यहाँ कैसे आप? अरे बेटी वो तो अच्छा हुआ कि मेरी कंपनी का IIT टेक्नीशियन जो है ना चेतन चौहान, उसने मेरी आंखें खोल दी। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं पापा। अरे गोपाल सर क्या हालचाल? अरे खूब बढ़िया, अपना बता। ये बताओ कनेक्शन लेने की सोच रहा था मैं, एम्प्लॉय बड़े हैं क्या कंपनी में अपनी? अरे कनेक्शन का बात छोड़, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ, मेरी बेटी मनाली गई है, ये देख बर्फबारी का आनंद ले रही है। एक मिनट रुको, आपकी बेटी मनाली गई और बर्फबारी का आनंद ले रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो मैं मनाली से आया हूँ, आप भूल गए क्या? और ये भी छोड़ो, 5 मिनट पहले मैंने वीडियो कॉल पर बात करी है, मेरा पूरा परिवार मनाली में है, वहाँ तो बर्फ तो दूर की बात है, बारिश का बूंद नहीं पड़ रही है, आप भूल कैसे गए? जून चल रहा है, जून, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बर्फ पड़ती है, समझे? अभी जून में नहीं। देख भाई, अरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक पड़ती होगी, लेकिन इस बार कमाल हो गया, जून में अभी भीषण बर्फबारी हो रही है, वो भी मनाली में। अरे आपको समझ नहीं आ रहा, मैं सुबह मनाली से आया, मेरा परिवार मनाली में, अभी मैं बता रहा हूँ, बर्फ तो छोड़ो पानी की बूंद नहीं गिरी। एक काम करो जरा वीडियो दिखाना एक बार। हाँ एक ये देखो मेरी बेटी जो लाइव रिकॉर्डिंग करके भेजी है। बाप रे, जरा एक बार वीडियो को ढंग से देखो, ये आपको कहाँ से लग रहा है कि इसने वीडियो कॉल करी है? साफ साफ पता चल रहा है पीछे टीवी या किसी बड़े स्क्रीन में वीडियो चला रखी उसने मनाली की, और वो उस वीडियो के थ्रू आपको बेवकूफ बनाया है। मेरी बेटी ने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ एक मिनट रुको और प्रूफ देता हूँ। ये बताओ आपकी बेटी ने कौन से नंबर से वीडियो कॉल करी थी? ये नंबर है ना जियो वाले से। ये कंपनी का ही फोन है ना? हाँ कंपनी का ही। अपनी कंपनी में भूल कैसे गए? आपके लोकेशन ही पता लगा सकते हैं, अभी पता लगाता हूँ आपकी बेटी की लोकेशन। एक मिनट रुको, आप तो अपनी बेटी की बातों में आ गए। हो जा, ट्रैक तो हो रही है। ये आगे लोकेशन, लुलु होटल, सेक्टर 5, गुड़गांव। क्या इसका मतलब मेरी बेटी ने मुझसे ही झूठ बोला और मनाली न जाके होटल लुलु में अपने बॉयफ्रेंड के साथ है? अब मुझे नहीं पता वो बॉयफ्रेंड के साथ है या किसी अपने पति के साथ है या किसी आशिक के साथ। अब एक काम करो, ये पकड़ो फोन, जल्दी जाओ इससे पहले कुछ कारनामे हो जाए। बात तो सही कह रहे हो भाई, इज्जत बचाना पड़ेगा। अरे नालायक बेशरम कलंकनी, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आया अपने बाप को क्या बोल के निकली थी कि अपने सहेलियों के साथ मनाली जा रही हूँ टूर पे, और यहाँ तू अपने इस आशिक के साथ होटल लुल्लू में पिछले 5 दिन से मुंह काला करवा रही है। अब देख तूने जो किया है ना कान बिटिया, उसका तो तुझे ऐसी सजा दूंगा कि कल के कल तेरी शादी करवाऊंगा, वो भी छगन हलवाई के बेटे काला खजूर से, समझी? और सुन बे कमीने, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या है? जो दूसरे के बहन बेटी को होटल लुल्लू में लाके मुंह काला करता है। अरे तूने जैसा काला कांड किया है ना, देख भगवान तुझे तेरे शरीर में हजारों कीड़े निकलवा देंगे, समझा? अब तू चल,
तेरी शादी करवाता हूँ छगन भुजवाल के बेटा काला खजूर से। चल बेटी, आप कुछ बोलेंगे तो मार थप्पड़ से मुंह खोल दूंगा। चल